हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, 8 मार्च तक लग गया है लॉकडाउन और साथ ही 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू, अमरावती, नासिक, पुणे और महाराष्ट्र के इन जिलों में। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि मुंबई में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, इसके बारे में विस्तार से, और साथ ही लोकल पर क्या सस्पेंस बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सबकी उम्मीदें हैं लोकल बंद ना हो, आम जनता की तो खास तौर पर, क्योंकि आम जनता सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी अगर लोकल ट्रेन बंद होती है। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं सीधा, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट नौकरी चैनल को जो नीचे लाल वाला बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रेलवे से जुड़ी, लॉकडाउन से जुड़ी, महाराष्ट्र से जुड़ी सारी खबर सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और 8 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों अलग अलग खबरें हैं। 8 मार्च तक लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है वो किन जिलों में बढ़ाया गया, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस के जो संक्रमण के खतरे देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं महाराष्ट्र में। जी हाँ, महाराष्ट्र और केरल का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अमरावती में 8 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, पहले 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद इसे बढ़ा दिया गया और इसके बढ़ाने के बाद से ही जो अफरा तफरी मचना शुरू हो गई, क्योंकि ये जो है सिलसिला है, जैसे पिछले साल था, एक बार लॉकडाउन बढ़ता है हफ्ते भर के लिए, फिर दूसरे हफ्ते बढ़ता है, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि इसका धीरे धीरे प्रकोप जो है चारों तरफ महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। साथ में आप देख सकते हैं गुजरात के 4 शहरों में बढ़ा है नाइट कर्फ्यू। गुजरात, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, जो भी ये सब इलाके हैं जो सटे हुए, उन तमाम जगहों पे कोरोना के संक्रमण देखने को मिल रहे हैं। गुजरात में भी 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है, यानी अब वहाँ पर नाइट में आप ट्रेवल नहीं कर सकते, बाहर घूम नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमने गुजरात का ही फोटो जो है वीडियो शूट किया है, आप देख सकते हैं ये अहमदाबाद की सड़क है जो स्टेशन का रोड जाता है कालूपुर होते हुए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा आपको रश देखने को मिल सकती है। जी हाँ, तो इन तमाम जगहों पर, यानी कि अब नाइट कर्फ्यू लगेगा, अब नाइट कर्फ्यू लगने के बाद यहाँ पर आपको सड़कों में जो है सुनसान देखने को मिलेगा, क्योंकि गुजरात के भी शहरों में काफ़ी ज़्यादा। अब बात करते हैं अगली अपडेट की, जो है मुंबई की लोकल। मुंबई की लोकल, सबके मन में एक ही सवाल है, काफ़ी लोग कमेंट से मैंने रीड किए कि मुंबई की लोकल बंद होगी या नहीं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि श्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि वो 28 फरवरी तक आपको समय दिए हैं, 28 फरवरी तक वो जो है रिपोर्ट देखेंगे और 28 फरवरी के बाद ही इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा कि मुंबई में लॉकडाउन लगेगा या नाइट कर्फ्यू लगेगा या कुछ पाबंदियों के साथ मुंबई खुलता रहेगा। तो दोस्तों, यहां पर एक अच्छी अपडेट क्या आ गई कि अब निजी अस्पतालों में आप 250 रुपए में कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। जी हां, यानी कि अब मुंबई में लॉकडाउन की जो समस्या है वो लगभग खत्म हो चुकी है। जी हां दोस्तों, लेकिन केसेस खत्म नहीं हुए। जी हां, एक ही उपाय है कि कोरोना से बचने के लिए आप इसके टीका का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीका का इस्तेमाल कर लिए तो आपको कोरोना हो नहीं सकता, तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको संकेत है कि आप 250 रुपये में कोरोना का टीका लगवा सकते हैं, यानी कि लॉकडाउन लगने के चांसेस अब यहाँ पे 70-80% आ चुके हैं कि नहीं लगेगा। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है दोस्तों कि मुंबई में लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि जनता की भी मांग है कि आप रिस्ट्रिक्शन के साथ, जी हाँ, मुंबई में और रिस्ट्रिक्शन कर दीजिए। अब तो फिलहाल 1000 रुपये से ज़्यादा का फाइन हो चुका है, मास्क ना लगाने पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये अच्छी अपडेट है आपके लिए कि मुंबई में लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन 1 मार्च को इसके ऊपर रिपोर्ट आएगी, तो आपको कल तक का इंतजार करना ही होगा, क्योंकि आज पूरा दिन जो है मीटिंग चलेगी, उसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा।